कुसंग का त्याग करो। धन मान बड़ाई आदि में आसक्त पुरुषों का संग मत करो। पाखंडियों से सदा बचो। बहनों को विशेष सावधान रहना चाहिए। ठगाई में मत आओ। जहां कनक कामिनी की इच्छा है वहां सावधान हो जाओ। वहां भगवान की प्राप्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग का तांडव नृत्य हो रहा है, अतः भगवान को पुकारो। तत्परता से भगवान में लग जाओ। बार बार प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। पांच पांच मिनट में प्रार्थना करते रहो। प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोते समय तक भगवान का नाम जपते हुए प्रार्थना करते रहो। कलयुग में भगवान ने सभी साधनों की शक्ति को नाम जप में रख दिया है। शिक्षा अष्टक में आया है, भगवान ने अपने बहुत प्रकार के नामों का प्रचार किया है। उन नामों में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति भी स्थापित कर दी है। उन नामों के स्मरण के विषय में समय संबंधी कोई नियम भी नहीं है। हे भगवान, आपकी तो ऐसी कृपा है, पर मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। कोई कष्ट आए तो रोकर सब तरफ से निराश होकर एकांत में हृदय से भगवान को पुकारो और उनकी कृपा के भरोसे से निश्चिंत हो जाओ। भगवान का नाम जपते हुए प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान का स्मरण समस्त कष्टों से मुक्त कर देता है। गीता की सार बात है शरणागति। ग्वाल बाल अर्जुन प्रायः हर समय भगवान के पास रहते थे, पर भगवान ने उन्हें कभी उपदेश नहीं दिया, गीता नहीं सुनाई। जब आफत आने पर अर्जुन शरणागत हुए तब भगवान ने उपदेश दिया। गीता का खास उपदेश शरणागति का है। शरणागति का साधन सरल है और महान है। सरल इतना है कि हे नाथ, मैं आपका हूं। भगवान के शरण होने पर भक्त संसार का रहता ही नहीं। यदि संसार का रहता है तो असली शरणागति अभी हुई ही नहीं। शरण होने पर सभी योग स्वतः आ जाते हैं, कारण कि भगवान में सभी योग मत सिद्धांत अपने आप आ जाते हैं। अतः शरणागति के अंतर्गत सब साधन आ जाते हैं, लौकिक पारलौकिक सब ज्ञान आ जाते हैं। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। शरण होने पर जानना, करना और पाना तीनों पूर्ण हो जाते हैं। शरण होने पर बिना पढ़े लिखे सब बातें भीतर आने लगती हैं। शरणागति मुख्य होने से गीता विश्ववंद्य है। शरण होने पर शरण्य की सब ताकत आ जाती है। अतः अपने आप को बदल दो कि हे नाथ, मैं आपका हूं। सत्संग का यह स्थान तीर्थ बन गया है। इस तीर्थ स्नान में हृदय से मान लो कि हे नाथ, मैं आपका हूं। वास्तव में हम भगवान के ही हैं, अन्य के तो हम बने हैं। बच्चा मां मां करता है तो वह कोई साधन नहीं करता। उसे मां नाम मीठा लगता है, वह मां को अपना मानता है।
संघर्ष से, साधन से दूर नहीं हुआ है, अपितु आपकी कृपा से दूर हुआ है। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युता। हमारे पर भी कृपा हुई है, तभी तो सत्संग हुआ है। भगवान ने शरणागत होने के लिए सब ढंग बैठाया है। गीता की महिमा अनंत है, एक मनुष्य के भी भावों का अंत नहीं आता, फिर अनंत परमात्मा के भावों का अंत कैसे आ सकता है। वे भाव भी विशेष रूप से अर्जुन के सामने ही तो प्रकट हुए। भगवान के भक्त भी नित्य हैं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम। फिर भगवान नित्य हो, इसमें क्या आश्चर्य है, उनके भावों का अंत कैसे आ सकता है। कोई कहता है कि मैंने जल पी लिया, भोजन कर लिया, तो क्या संसार में जल भोजन नहीं रहा। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि मैंने गीता के अर्थ को जान लिया, तो इसका तात्पर्य होता है कि हमारी बुद्धि तृप्त हो गई, हमारी भूख मिट गई। गीता के अर्थ अनंत हैं। संसार की प्राप्ति में और परमात्मा की प्राप्ति में बहुत फर्क है। परमात्मा प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, उनकी प्राप्ति में क्रिया मुख्य नहीं है, अपितु भाव और विवेक मुख्य है। संसार की प्राप्ति में लगन भी हो, प्रयत्न भी हो और प्रारब्ध भी हो। आप संसार की वस्तुओं को चाहते हैं, पर वस्तुएं आपको नहीं चाहती, परंतु परमात्मा आपको चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्याम। भगवान में दया है, पर धन आदि पदार्थों में दया नहीं है, क्योंकि वे जड़ हैं। परमात्मा अनन्य है, अतः उनकी इच्छा भी अनन्य होनी चाहिए। दूसरी कोई इच्छा साथ में न हो, क्योंकि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।